प्यारे बच्चों, आज आप देववाणी कक्षा 7 संस्कृत की पढ़ाई आरंभ हो रही है। नए क्लास में आए हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मन से पढ़ें। फिर आगे देखिए आपके पाठ्यपुस्तक में क्या है, इसको देखिए मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़िए। आप जानते हैं कि वंदना क्या होता है? वंदना को कहते हैं प्रार्थना। और देववाणी क्या होता है? संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा गया है, इसलिए वह देववाणी है। तो अब वंदना होता है प्रार्थना। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमें वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमें पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिले। एकदम सही। प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदा मातरम पृथ्वी, यस्य कार नमामितम। प्राण देने वाले शीतल वायु, प्राण देने वाले शीतल वायु जीवन दे ले। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि ये देववाणी कक्षा 7 संस्कृत का बुक है, जिसे मैं आज आरंभ कर रहा हूँ। आप लोग क्लास 6 से 7 में प्रवेश किए हैं, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब देखिए पाठ प्रथम है, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्राणदम शीतलम वायुम, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मात्रम पृथ्वी, यस्य कार नमामितम। प्राण देने वाले शीतल वायु, जीवन देने वाले निर्मल जल और अन्न देने वाली माता पृथ्वी को जिसने बनाया है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक देखिए, येन शुक्ली कृतो हंसो लवना क्वतो महो दधि, असहस्रास्तु कृतः सूर्यस्त अश्मय सर्वात्मने नमः। जिसने हंस को सफेद बनाया, सागर को नमकीन बनाया, सूर्य को हजारों किरणों वाला किया, उस भगवान को नमस्कार है। तीसरा देखिए, एन विचित्रतम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृतः असर्वसहाकृता पृथ्वीम, यस्य कार नमामितम। जिसने फूलों को रंग बिरंगा, चंद्रमा को शीतल बनाया, पृथ्वी को सब सहन करने वाली बनाया, उस परमेश्वर को नमस्कार है। चौथा देखिए, वंद्यः पितामह महाकशो, पूज्या माता वसुंधरा, ध्येयं सदा परम ब्रह्म, यनेदं धारयते अखिलम्। इसका अर्थ देखिए, पिता समान महान आकाश वंदनीय है, माता पृथ्वी पूज्या है, जिसने इस संसार को धारण किया हुआ है, उस पर परम ब्रह्म यानी ईश्वर को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, ये लास्ट है आपका, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी अच्छा देखे, कोई भी दुख का भागी न हो, यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस संसार में सब सुखी हों, सब आनंद में रहे, साथ साथ मैं भी आनंद और खुश का अनुभव कर सकूँ। डेट्स ऑल। तो ये पहले अध्याय का ये चारों श्लोक आपको पढ़ा दिए हैं, इसको घर पर पढ़िए, समझिए। दूसरे दिन पार्ट 2
आरंभ करेंगे। धन्यवाद।